कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम संकट से बचे हुए हैं। ऐसा लगता है सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लॉलीपॉप का एक और नया वीडियो। देश में बढ़ रही महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने की बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है और इससे पूरा विश्व परेशान है। वहीं अपने संबोधन में पीएम ने देशवासियों से इस महामारी से लड़ने के लिए साथ आने की अपील की। कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार यह संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। और साथ ही बुजुर्गों को यह भी कहा कि आप भी घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई मुकम्मल उपाय नहीं मिला है और ना ही इस महामारी का कोई टीका विकसित किया गया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे नियमित जांच के लिए अस्पताल जाने से बचें ताकि स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव कम हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश से प्रधानमंत्री की ओर से मांग गया जनता कर्फ्यू का समर्थन बहुत ज़रूरी है और आज समय है कि यही मांग पूरी होनी चाहिए। इसलिए हम भारतवासी 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपने घरों में रहकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाकर राष्ट्रहित में अपना योगदान देंगे।